गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल है स्कैम हर बैकपैक। मैं हूँ शताक्षी और यूरोप सीरीज़ के इस एपिसोड में आज हम एक बहुत ही सुंदर डच विलेज में आए हैं जहाँ पे कि कोई सड़कें नहीं हैं। तो येस यू हर्ड इट राइट, इट इज़ अ टाउन विद नो रोड्स और इस विलेज का नाम है गेटहॉर्न। गेटहॉर्न विलेज नीदरलैंड के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है और ये अराउंड 85 मिनट्स ऑफ ड्राइव है। बट हम यहाँ ट्रेन के थ्रू आए हैं तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम स्लॉटरजिक स्टेशन। वहाँ से हमने ट्रेन ली फॉर शिपोल एयरपोर्ट और शिपोल एयरपोर्ट से आपको ट्रेन मिलेगी फॉर स्टीनविक। स्टीनविक से बसेज आती हैं गेटहॉर्न तक। सो देयर इज़ अ बस नंबर 70 जो आपको गेटहॉर्न स्टेशन पर ड्रॉप करेगी। तो एक बार आप इस विलेज में पहुंच जाओगे तो यहाँ पे या तो आप बाय वॉक इसे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर आप बोट्स भी रेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईदर यू कैन टेक अ प्राइवेट बोट या फिर ग्रुप बोट्स भी यहाँ पे चलती हैं। हमने अभी तक बोट राइड नहीं ली है, अभी हम बाय वॉक ही इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है। मतलब चारों तरफ में जो ये डच आर्किटेक्चर की हाउसेज हैं और आगे से घरों के आगे से कैनाल्स बह रही है, तो बहुत ही फेरी टेल सा जो व्यू है वो इस जगह का आ रहा है। So guys, now let's go ahead and explore Venice of Netherlands. गेटहॉर्न विलेज में ज़्यादातर हैंड टग कैनाल्स हैं और यहाँ पे टोटल में आपको 176 ब्रिजेस मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी घर हैं, ये घर क्या ये पूरे फार्म हाउसेस ही हैं और इसमें से ज़्यादातर 18th और 19th सेंचुरी के हैं जो अपने आप में इस जगह को काफ़ी यूनिक बनाते हैं। Hello. Paneer cookies, waffles. Paneer, we call it paneer. Yeah, yes. Okay. You taste most of the paneer. Okay. Yeah. Can I have? Yeah, do much. €2. Okay. Change. So what is it, Pakhar? What? Gedohan local cookie, like wafer. What is it called? Kya bolte hain se? It's called funny. Funny. Okay. And we got it 8 pieces for €2. Just show it, how is it? It's like wafers. And it's good in taste, huh? Sweet. It's not too sweet. पीकी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं है, एकदम परफेक्ट टेस्ट है। यहाँ पे लोगों ने अपने घर के आगे बने हुए लॉन्स को इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट कर रखा है और सभी गार्डन्स में आपको ब्यूटीफुल हाइड्रेंजियस देखने के लिए मिलेंगे, जो एक तरह की वैरायटी होती है फ्लावर्स की, जो इस वीडियो में आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो गाइस गेटहॉर्न विलेज में कोई रोड्स नहीं है बट यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हो और बोट राइड कर सकते हो जैसा मैंने पहले भी बताया था। और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें अपनी कार एक स्पेशल पार्किंग एरिया में रखनी पड़ती है जो सिटी से थोड़ा, मेन विलेज से थोड़ा बाहर है। यहाँ पे गाइडेड बोट राइड्स भी रहती हैं एंड यू कैन ऑल्सो रेंट अ प्राइवेट बोट। इसके अलावा यहाँ एक म्यूज़ियम है और ऑन द वे काफ़ी सारी शॉप्स पड़ेंगी, जैसे ये एक ज्वेलरी शॉप पे इस समय हम हैं।
तो अभी देखते हैं अंदर क्या स्पेशल ज्वेलरी यहाँ पे मिल रही है, सो स्टे ट्यून्ड। खाने में हमने यहाँ पे सुबह से जो जो चीज़ें ट्राई करी हैं वो था वेजिटेरियन बर्गर। वेजिटेरियन बर्गर का यहाँ पे जो चार्जेस है इट इज़ 9 यूरो, और इसके अलावा हमने कॉफ़ी ट्राई करी थी विच वॉज 3 यूरो, कॉफ़ी वॉज 3.65 यूरो, और शेक्स जो थे देवर अराउंड 5 यूरोज। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा लिमिटेड ऑप्शंस हैं, आपको थोड़ा मेन्यू बार बार देखना पड़ेगा, या तो आप सैलड ले सकते हैं या फिर वेज बर्गर या फिर फ्रेंच फ्राइज। तो ये है मार्गरीटा पिज़्ज़ा विद अ स्पेशल ब्लू चीज़। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि ये सुंदर सुंदर लॉन्स, थैच रूफ के घर, कैनाल्स, ब्रिजेस, ये सारा व्यू एक साथ जब आपकी आंखों के सामने आएगा तो ये जगह आपको किसी रोमांटिक मूवी सेट की लोकेशन से कम नहीं लगेगी। और शायद यही कारण है कि गेटेहॉर्न नीदरलैंड के टॉप 10 अट्रैक्शंस में आता है।